अगर आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में कहा था कि कंप्यूटर को केवल मशीन लैंग्वेज यानी लैंग्वेज जिसमें केवल वंस और जीरोज हो वही समझ में आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मशीन लैंग्वेज में आपको कोड लिखने में बहुत टाइम लगेगा और बहुत ही मुश्किल काम भी है, अगर कोई गलतियाँ हो तो गलतियाँ सुधारने के लिए। तो इस कारण कंप्यूटर साइंटिस्ट ने असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर जैसे टूल्स को डेवलप कर दिया। तो इस सेशन में हम केवल असेंबलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करेगा या करता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये ट्रांसलेटर्स यानी इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर क्यों चाहिए। जैसे मैंने बताया था, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है। इसी कारण अगर मैं प्रोग्राम सी में लिखूं या असेंबली में लिखूं, कंप्यूटर उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस भाषा उसे समझ में नहीं आता। तो इसी कारण हाई लेवल लैंग्वेज है असेंबली को, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे हम ट्रांसलेटर्स कहते हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज से हम मशीन कोड कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो उस पर्टिकुलर मशीन पे वो कोड एग्जीक्यूट या रन हो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक सॉफ्टवेयर जिसके का नाम है असेंबलर। नाम से ही आपको पता चलता होगा कि ये सॉफ्टवेयर है, यानी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या सिस्टम प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है तो उसे कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने असेंबली लैंग्वेज में मूव ए कॉमा बी लिख दिया, जिसमें बी का वैल्यू ए में कॉपी हो रहा है, तब ये मशीन लैंग्वेज को ऐसे कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये केवल एग्जाम्पल है, असेंबलर क्या करेगा, इसे इनपुट लेगा और ऐसे कन्वर्ट करके इसे आउटपुट देगा। कंपाइलर, अगर हमने प्रोग्राम समझ लीजिए हाई लेवल लैंग्वेज में लिख दिया, तो उस हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर से कोई मतलब नहीं रखता, उसे हमें ऑब्जेक्ट कोड यानी मशीन लैंग्वेज में बदलना चाहिए। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लेके पहले असेंबली करेगा, असेंबली से फिर मशीन करेगा, या केवल असेंबली तक करेगा और उसके बाद असेंबलर उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर का काम क्या है, एक प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस में लेके उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को सौंप दे, ताकि उस मशीन लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर आपको समझना है, समझ लीजिए हमने सी लैंग्वेज में ऐसा लिख दिया जहाँ ए इज असाइंड द वैल्यू ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, बी का अगर वैल्यू 10 है तो ए भी बन जाएगा 10। तो फर्स्ट स्टेज पे कंपाइलर क्या करेगा, उसे असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मूव बी कॉम ए कॉमा बी सॉरी। और फिर उसका एक दूसरा पार्ट जो असेंबलर तरह काम करेगा, उसे असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा। तो असेंबली लैंग्वेज केवल असेंबलर केवल यहाँ तक कर रहा था, कंपाइलर ये पूरा काम करेगा। तो आप जो प्रोग्राम लिखते हो सी या सी प्लस प्लस में, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, और जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कोड या एग्जीक्यूटेबल कोड भी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाइलर, जी एन यू, जी सी 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 कंपाइलर, जिसपे हम ये पूरा कोर्स करने वाले हैं। अब अगर आप कभी लैंग्वेजेस जैसे पाइथन या जावा या पर्ल जैसे लैंग्वेज या बेसिक पे काम करोगे, तब आप जनरली कंपाइलर यूज़ नहीं करोगे। वहाँ एक दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसका नाम आप है इंटरप्रेटर, उसे यूज़ करोगे। इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर समझ लीजिए एक कोड का पहला लाइन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहला लाइन पढ़ेगा, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और तुरंत एग्जीक्यूट करेगा। तब दूसरा लाइन पढ़ेगा, दूसरा लाइन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह वो पूरा प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, अगर समझ लीजिए ये पूरा एक प्रोग्राम हो, इस पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा और तब उसे एग्जीक्यूट करने कंप्यूटर को सौंप देगा, और कंप्यूटर पूरी कोड को एक ही टाइम एग्जीक्यूट यानी रन कर सकता है। तो इंटरप्रेटर का काम क्या है, एक लाइन पढ़ो, कन्वर्ट करो मशीन लैंग्वेज पे, एग्जीक्यूट करो। इसी तरह अगले लाइन पे पढ़ो, अगले लाइन पे कंटिन्यू जाओ, कन्वर्ट करो और एग्जीक्यूट करो। ये तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो, या इंटरप्रेटर में समझ लीजिए इस लाइन पे कोई एरर आ गया, तो पहले दो लाइन तो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन तीसरे लाइन पे इंटरप्रेटर रुक जाएगा, क्योंकि ये एरर आ जाएगा।
अगर हम इसे कंपाइल करके दौड़ाना चाहते थे तब कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही कंपाइल करने की कोशिश करेगा तीसरे लाइन पे जैसे ही एरर आएगा वो रुक देगा। मतलब ये प्रोग्राम दो लाइन भी आप कंपाइल के बाद रन नहीं कर सकते हो, लेकिन इंटरप्रेटर में आप एटलीस्ट पहले दो लाइन आप एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। अगर आप देखोगे कंपाइलर क्या करता है, अगर ये पूरा ये आपका प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड कन्वर्ट करेगा और तब क्या करेगा जो अगले वीडियो में बता रहा हूँ, लिंकिंग और लोडिंग करके इसे कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करने अलाउ कर देगा। ठीक है, तो क्या करेगा इस पूरे को मशीन कोड करेगा। मशीन कोड करने के बाद ये क्या होगा, इसे एक प्रोसेस होती है लिंकिंग, लोडिंग यानी उस कोड को मेमोरी में डालना, वो करके वो प्रोग्राम रन होगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले लाइन लेगा उसे मशीन लैंग्वेज में बना कन्वर्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे लाइन लेगा कन्वर्ट करेगा एग्जीक्यूट करेगा, अगर तीसरे लाइन पे एरर है तब ये रोक देगा। तो इसका क्या है, ये पूरा कन्वर्ट करके आपको चलाना देगा, ये एक बाय लाइन लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करने आपको अलाउ करेगा। अब ये देखिए कंपाइल्ड प्रोग्राम का फायदा क्या है, कंपाइल्ड प्रोग्राम फास्टर दौड़ेगा कंपेयर टू इंटरप्रेटर, आसान है समझना, क्योंकि पहला कंपाइलर जब एक पूरा काम इसे कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने में ही टाइम लगेगा, लेकिन जब वो रन होगा लाइन बाय लाइन एकदम फास्ट रन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक लाइन पढ़ो कन्वर्ट करो रन करो, दूसरी लाइन पढ़ो कन्वर्ट करो रन करो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पूरा प्रोग्राम को कन्वर्ट कर रहे हैं, और क्योंकि पूरा प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया हमने, हर बार हमें एक एक लाइन कन्वर्ट करना नहीं पड़ रहा है, इसलिए बहुत फास्ट जाएगा। कंपाइलर का तीसरा फायदा क्या है, कंपाइलर क्या करेगा, अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो, समझ लीजिए ये आपका प्रोग्राम है, जब इस आपने इसे कंपाइल कर दिया तब अगर इसमें 10 एरर थे तो पूरे 10 एरर ये आपको बताएगा, और आप जब आप 10 एरर ठीक करोगे तभी आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हो। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करेगा, अगर समझ लीजिए पहले 5 लाइन बिल्कुल सही है तो पहले 5 लाइन एग्जीक्यूट करेगा, छठा लाइन पे रुकेगा जहाँ पे एरर था। लेकिन कंपाइलर अगर एक भी छोटा एरर है इसे कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट करने ही नहीं देगा। अभी एडवांटेज क्या है कंपाइलर का, एक बार हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, इस कोड को हमने कंपाइल कर दिया, तो हम चाहे जितने बार उसे मेमोरी में लोड करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इंटरप्रेटर का प्रॉब्लम क्या है, जब हर बार जब हम उस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हमें सोर्स कोड यानी प्रोग्राम के साथ, ये प्रोग्राम के साथ इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर भी हमको मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, और हर बार इंटरप्रेटर एक लाइन पढ़ेगा कन्वर्ट करेगा और रन करेगा, दूसरी लाइन पढ़ेगा कन्वर्ट करेगा और रन करेगा। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा क्या है, कंपाइल वंस रन मेनी टाइम्स। इसका नुकसान क्या है, हर बार आपको इंटरप्रेटर और सोर्स कोड मेन मेमोरी में चाहिए। एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज जो कंपाइलर यूज करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन, कोबॉल। एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेजेस जो इंटरप्रेटर यूज करते हैं, बेसिक, पर्ल, पाइथन, जावा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये था मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अगले सेशन में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जिनका नाम है लिंकर और लोडर, उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा।